फ्रेंड्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आज के वीडियो में आप रंग बिरंगी गोल्ड फिश बनाना सीखेंगी फ्रेंड्स गोल्ड फिश वाला तोरण देखिए बहुत ही सुंदर बना है और इसको हमने स्टार्टिंग में ही लटका के दिखाया था जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल पर हमेशा आपको नई नई डिजाइनें सीखने को मिलेंगी फ्रेंड्स फ्रेंड्स इसे बनाना अगर चाहते हैं तो इसमें उलन कितना लगा है गोल्ड फिश कितना है और सब हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे आप वहाँ से एक बार देख लें तो इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे रेड और वाइट कलर से गोल्ड फिश बनाया है देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है और सिंपल है ये देखिए हमने ऑरेंज और वाइट में इसको बनाया है तो बहुत ही सिंपल है आसान है गोल्ड फिश बनाना मैं स्टेप बाई स्टेप इसको बताऊंगी आप मेरे बातों को फॉलो करें और आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और डोर भी बहुत ही सिंपल हमने इसमें बना के लगाया है ताकि आप इसे आसानी से बना सकें तो हमने इसे तीन कलर में तैयार किया है फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ तो चलिए इस गोल्ड फिश को बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमने चार कलर का उलर लिया हुआ है और क्रोशिया हमने देखिए यहाँ पे टू एम एम का है सबसे पहले तो हम चैन बनाना स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंड्स हमने पर्पल कलर का गोल्डफिश बनाना स्टार्ट किया है ये देखिए एक, एक चैन हमने बनाया और ये देखिए दो तीन चार चार चैन बना के दो राउंड हम देखिए क्रोशिया में से लपेटेंगे धागे को इस तरीके से और जहाँ से हमने स्टार्टिंग में देखिए चैन शुरू किया था उसी के फंदे में से हम धागे को निकालेंगे यहाँ से देखिए इस तरीके से और दो दो फंदा बंद करते हुए हम जाएंगे ऊपर की साइड ये ट्रिपल क्रोशिया है तो देखिए हमने यहाँ पे तीन फंदा बंद किया है दो दो धागा और बीच में थोड़ा सा स्पेस रहेगा और धागे को हमें खींचना है देखिए इस तरीके से और धागा जो है देखिए एक राउंड इसे हम लपेट लेंगे और जो हमने देखिए बीच में यहाँ पर इस्पेस थोड़ा सा जगह है इसी के अंदर से फिर हम धागे को खींचेंगे ये देखिए एक बार ये धागा हमने क्रोशिया में ले लिया है देखिये दो तीन चार पाँच सात ये देखिए लास्ट का आठ अब इसको हम तीन पार्ट में बंद करेंगे थोड़ा थोड़ा धागा लेके तीन पार्ट बनाएंगे तो देखिए एक पार्ट ये हमने बना लिया है अब इसको हम बंद करेंगे ये देखिए अब हम दूसरा पार्ट इस तरीके से धागा निकालेंगे और इसको भी हम बंद करेंगे ये देखिए दो पार्ट हो गया ये लास्ट का देखिए तीसरा इसको हमें बंद नहीं करना है इसके आगे हम इसी तरीके से इसको घुमा लेंगे देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से घुमा लेंगे ये देखिए उल्टा साइड हो गया अब धागे को एक राउंड इसे क्रोशिया में लपेट लेना है और देखिए नीचे से यहाँ जो फंदा है इसी में से देखिए हम फिर आठ राउंड धागा निकालेंगे तो देखिए फ्रेंड्स आठ राउंड हमने धागा निकाल लिया है अब इसको हम तीन पार्ट में बंद करेंगे थोड़ा थोड़ा धागा लेके बीच में इसको बंद कर लेना है ये देखिए तीन पार्ट हो गया दोनों पार्ट का धागा कुर्सिया में है अब एक साथ हम बंद कर लेंगे यहाँ okay. से दूसरा धागा लगाएंगे तो हमने यहाँ पे देखिए वाइट कलर का धागा लिया है तो पहले देखिए धागे को फंदे में लेना है इस तरीके से देखिए धागा हमने ले लिया है और देखिए जो पर्पल कलर का धागा इसको हम पीछे की साइड कर देंगे और ये देखिए वाइट का जो धागा है इसको हम नोट लगा लेंगे तो धागा हमें खींच लेना है इस तरीके से और धागा देखिए क्रशम में लेके फिर जहाँ से देखिए हमने निकाला है धागा उसी के देखिए नीचे वाले फंदे में से यहाँ से एक राउंड हमने धागा ले लिया है तो क्रशम तो में दो धागा है अब देखिए जो हमने पार्ट बंद किया है ये वाला देखिए अब इसके ऊपर वाले फंदे में से देखिए यहाँ से हम धागे को निकाल के क्रोशिया में लेंगे तो एक बार देखिए हमने इसमें से निकाला है ये देखिए दो और ये देखिए तीन तो एक पार्ट में से हम तीन धागा निकालेंगे अब इसके देखिए आगे वाले पार्ट से भी हम धागे को निकाल रहे हैं इसमें से भी देखिए हम तीन धागा निकाल रहे हैं ये देखिए तीन धागा हमने निकाल लिया है अब लास्ट वाला देखिए पार्ट है अब इसमें से भी हम तीन धागा निकाल ले रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें से भी तीन धागा निकाल लिया है अब इसके आगे देखिए हम इसमें छः पार्ट में बंद करेंगे तो थोड़ा थोड़ा धागा हमें लेके इसको छः पार्ट बना लेना है तो वहाँ पे देखिए हम थोड़ा थोड़ा धागा लेके इसको बंद कर रहे हैं देखिए तीन पार्ट हमने बंद कर लिया है और ये देखिए चार ये देखिए पांच और ये लास्ट का है तो इसको बंद नहीं करना है इसको देखिए इसी तरीके से हम घुमा लेंगे और देखिए धागे को लपेट लेना है यहाँ पे और देखिए जहाँ से हमने स्टार्टिंग में दो फंदा निकाला था उसी के फंदे में से देखिए बीच में यहाँ से हम दो बार धागा निकाल के कुर्सिया में लेंगे तो एक बार देखिए हमने लिया है और ये देखिए दो दो धागा कृषिया में हो गया है अब जो हमने पार्ट बंद किया है तीन तो एक एक पार्ट में हम तीन तीन धागा निकालेंगे तो देखिए इसमें से हमने एक धागा निकाला है देखिए दो और ये तीन तो आगे इसी तरीके से हम तीन तीन धागा निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स देखिए तीन धागा तीन तीन हमने निकाल लिया है अब इसको छः पार्ट में बंद करेंगे थोड़ा थोड़ा धागा रख के बीच में इसको छः पार्ट बना लेना है ये देखिए दोनों पार्ट का धागा है अब एक साथ हम बंद कर लेंगे देखिए अब इसको मैं सीधा कर लेना है फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे घुमा के और धागे को हमें छोड़ देना है अब देखिए यहाँ पे हम पर्पल कलर का धागा ले रहे हैं तो उस देखिए पहले तो हमें यहाँ फंदे में डाल लेना है इस तरीके से धागे को ये देखिए इस तरीके से फिर यहाँ पे हम टाइट कर ले रहे हैं वाइट वाला जो धागा है और फिर चैन बनाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये देखिए दस तो दस चैन बना के और यहाँ पे बीच वाले फंदे में इसको हमें बंद कर लेना है देखिए इस तरीके से और फिर आगे देखिए हम दस चैन बनाएंगे तो देखिए हमने दस चैन बना लिया है अब यहाँ देखिए जो ऊपर वाला फंदा है इसमें से हम धागे को डाल के और बीच वाले फंदे में से देखिए यहाँ से धागे को निकाल लेना है और इस तरीके से हम बंद कर लेंगे ताकि एक ही फंदे में हमारा सब धागा आ जाए फिर यहाँ पे देखिए हम दस चैन बनाएंगे और देखिए यहाँ से इस तरीके से धागे को डाल के और बीच वाले फंदे में से हम धागे को निकाल लेंगे यहाँ से और इसको बंद कर लेंगे तो देखिए ये हमारा बन गया है अब इसके आगे देखिए फिर हम चैन बनाएंगे तो एक के चैन हमने बनाया दो तीन चार पाँच छः ये देखिए सात तो यहाँ पे देखिए साइज के अनुसार चैन बनाना है तो हमारा देखिए ये सात चैन बराबर आ रहा है जितना चैन आपका यहाँ पे आए उतना चैन आप बनाएं और देखिए फर्स्ट वाले फंदे में से यहाँ पे इसको हम बंद कर ले रहे हैं और फिर इसके आगे चैन बनाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये देखिए आठ आठ चैन बना के देखिए इसी तरीके से मोर लेना है हमें और यहाँ पे देखिए इसी के फंदे में इसको हमें बंद कर लेना है देखिए इस तरीके से बंद कर लेना है फिर आगे हम आठ चैन बनाएंगे तो गोल्ड फिश का ये पंख है और देखिए फिर इसी के फंदे में फिर हमें बंद कर लेना है देखिए इस तरीके से फिर आगे देखिए इसको बंद करते हुए फिर हम धागे को खींच लेंगे इस तरीके से हमें धागा थोड़ा सा बड़ा खींच लेना है और यहाँ पे देखिए वाइट कलर का जो धागा है इसी के फंदे में यहाँ पे और यहाँ से हम इसको देखिए बंद कर लेंगे इस तरीके से बंद कर लेना है और फिर धागे को खींच के देखिए ये जो बीच का फंदा है जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था और इसमें ला में हम बंद कर देंगे ये देखिए फिर आगे हमें तीन चैन बना लेना है इस तरीके से और फर्स्ट वाले चैन में देखिए यहाँ से इसके अंदर से हम धागे को निकाल के और देखिए इस तरीके से हमें बंद कर लेना है स्लीप चैन है तो स्लीप चैन से हम इसको बंद कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये दो बार स्लिप चैन हमने बनाया और फिर इसी के फंदे में हम इसको बंद कर लेंगे फिर आगे देखिए एक चैन दो तीन तीन चैन बना के फिर यहाँ पे देखिए स्लिप चैन से हम इसको बंद करेंगे ये दोनों फंदों को हमें इस तरीके से बंद कर लेना है और फिर देखिए यहाँ बीच वाला जो फंदा है इसमें लाके के हम बंद कर देंगे तो देखिए गोल्ड फिश का माउथ बन गया फिर आगे हम देखिए इस तरीके से धागे को खींच लेना है और फिर यहाँ इसके फंदे में लाके के इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पे बंद कर लेना है और फिर धागा खींच लेना है थोड़ा सा और देखिए फर्स्ट वाला जो पार्ट हमने बंद किया था इसके के फंदे में इसको भी बंद कर लेंगे अब आगे देखिए इसका पंख बनाने के लिए हम आठ चैन और एक ही फंदे में हमें बंद कर लेना है देखिए फिर आठ चैन बना के और इसी फंदे में हम बंद करेंगे तो देखिए पंख बन गया फिर इसके आगे हम सात चैन बना लेंगे और यहाँ से जहाँ से देखिए हमने बनाना स्टार्ट किया था इसी वाले फंदे में लग के इसको हमें बंद कर देना है ये देखिए इस तरीके से हम इसको बंद कर लेंगे और धागे को यहाँ पे हम कट कर देंगे तो धागा देखिए हमने कट कर दिया है अब सभी धागे को हम यहाँ पे नोट लगा लेंगे पहले तो धागे को अंदर की साइड कर लेंगे कर्सिया की मदद से ये देखिए अब यहाँ पे हम इसको गांठ लगा लेंगे ताकि ये जो धागा हमारा निकले ना तो फ्रेंड्स देखिए धागे को जो धागा है सभी को हम अंदर की साइड खींच ले रहे हैं और जो धागा दिखेगा उसको हम कट कर देंगे देखिए यहाँ पे नीचे का जो धागा है इसको भी हम खींच ले रहे हैं अंदर की साइड हो जाएगा तो धागा नहीं दिखेगा और कट कर देंगे जो धागा हमारा दिख रहा है तो फ्रेंड्स देखिए गोल्ड हमारा बन गया है अब इसकी हम आंखें बनाएंगे तो देखिए बहुत ही सिंपल है इसको बनाना तो आंखें बनाने के लिए हमने देखिए गोल्डन कलर का मोती लिया है तो देखिए ये मोती हमें किस तरीके से लगाना है तो यहाँ पे देखिए इसके माउथ के पास यहाँ पे जो थोड़ा सा स्पेस इस रहेगा इसी के अंदर हम मोती को डालेंगे देखिए और मोती को हमें इस तरीके से डालना है जो देखिए होल है मोती में वो दोनों साइड से दिखना चाहिए फ्रेंड्स फीस की आंखें जो होती हैं वो थोड़ी चमकीली होती हैं इसीलिए हमने गोल्डन कलर का मोती लगाया है तो यहाँ पे देखिए ग्लूगन से इसको हम चिपकाएंगे तो देखिए मोती के किनारे किनारे से यहाँ से देखिए हम ग्लूगन लगा रहे हैं ताकि ये जो मोती है यहाँ पे चिपिक जाए निकले ना तो देखिए ये हमने लगा लिया एक साइड और दूसरे साइड भी हम मोती के किनारे किनारे से इसको घुमाती हुए से लगाएंगे तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसकी आंखें जो है लग चुकी है अब मोती यहाँ से नहीं निकलेगा अब इसके आगे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम रेड वाली गोल्ड फिश की आंखें बनाएंगे तो इसी तरीके से हम देखिए जैसे फर्स्ट में हमने लगाया था यहाँ ग्लूगन से इसी तरीके से हम दोनों साइड से इसको किनारे किनारे से घुमाते हुए लगा लेंगे इसी तरीके से हम आगे सभी फिश में लगा लेंगे आँखें तो फ्रेंड्स देखिए हमने लगा लिया और देखिए यहाँ पे रेड वाली जो गोल्ड फिश है इसमें देखिए हमने फोरटीन बनाया है और जो पर्पल कलर का है इसमें देखिए हमने फोर और यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर का जो है इसमें देखिए हमने सिक्सटीन गोल्ड फिश बनाया है इस पट्टी का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है तो जो वीडियो हमने अपलोड किया है फ्रेंड्स देखिए वाइट और रेड कलर में हमने इसको बनाया है तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो सेम वही डिज़ाइन है हमने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है तो इसके आगे अब देखिए फ्रेंड्स हम डोर बनाएंगे तो डोर बनाने के लिए हमने हल्का ब्लू कलर लिया है और देखिए धागे को हम थोड़ा सा बड़ा कट कर देंगे देखिए इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए हमें गोल्ड फिश ले लेना है और देखिए जो पंख है इसी के बीच में से देखिए यहाँ से कुर्सा को डाल के और धागे को इसी के अंदर से हम निकालेंगे तो धागे को हम बराबर कर ले रहे हैं तो देखिए धागा बराबर हो गया है अब इस धागे को देखिए हमें इस तरीके से हाथों से लपेट लेना है घुमाते हुए तो दोनों साइड हम थोड़ा थोड़ा सा लपेट लेंगे बहुत ही आसान है फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमने लपेट लिया अब धागा बराबर कर लेंगे और देखिए दोनों धागों को पकड़ के हमें छोड़ देना है फिर इसको दोनों धागे देखिए एक दूसरे में जुड़ गए हैं तो देखिए डोर बन गया है तो फ्रेंड्स अगर आप और मोटा डोर बनाना चाहें तो इसमें दो तीन धागा और लगा लें तो हम इसके आगे देखिए पट्टी को लगाना बताएंगे तो पट्टी में देखिए हम फीस को लगाते हुए डोर तो बनाएंगे तो फ्रेंड्स पहले तो देखिए पट्टी को में बराबर कर लेना है दो पार्ट में ये देखिए बराबर है दो पार्ट में ये देख सकते हैं दो पार्ट हमने पट्टी का बनाया है तो यहाँ पे देखिए हम इसको खोल लेंगे एक पार्ट हम आपको दिखाएंगे बना के तो फ्रेंड्स देखिए डोर तो बनाते हुए हम इसको पट्टी में लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए साइज़ के अनुसार रख लें जितना बड़ा साइज़ बनाना चाहें तो देखिए फ्रेंड्स ये लगभग मेरा डेढ़ इंच होगा अब यहाँ पे इसको देखिए हम नोट लगा लेंगे ताकि यहाँ पे हमारा धागा जो है ये खुले ना तो देखिए इस तरीके से मैं नोट लगा लेना है और यहाँ पे इसको देखिए हम लगा देंगे और फ्रेंड्स जो ऊपर का धागा है देखिए ये वाला इसको हम खोल देंगे ये जो देखिए धागा है इन दोनों धागों को हम अलग कर लेंगे पट्टी में नोट लगाने के लिए अब यहाँ पे देखिए हम रख लेंगे अब इसी तरीके से हम डोर बनाएंगे तो फ्रेंड्स देखिए इसमें हमने बड़ी साइज का बनाया बढ़ाते हुए हम डोर बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए इस, इस तरीके से हमें रख लेना है और बीच में एक छोड़ देना है तो डोर बनाते हुए यहाँ पे धागे को बड़ा साइज कट करके डोर बनाएं देखिए यहाँ पे बढ़ाते हुए हम डोर लगा रहे हैं अब इसके आगे देखिए यहाँ पे हम माउथ इसका चेंज कर ले रहे हैं दोनों का फीस का देखिए माउथ एक तरफ हो गया है अब यहाँ से देखिए इसके हम ऊपर वाली साइड में एक पंख में लगा रहे हैं सीधा करके तो आगे इसी तरीके से हम घटाते हुए अब यहाँ पे लगा लेंगे अब इसके आगे देखिए रेड वाली गोल्ड फिश हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमने इसका देखिए डोर बना लिया है बड़ी साइज का थोड़ा ये देखिए इससे बड़ी साइज है जो ऊपर का गोल्ड फिश है उससे बड़ी साइज़ है तो इसी तरीके से हम बढ़ाते हुए इसको लगाएंगे अब बीच का देखिए हमने पर्पल कलर का लिया है और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे रख लेना है पहले हम साइज यहाँ पे बना लेंगे तब नोट लगाएँ और अब देखिए इसके नीचे हम रेड कलर का लगाएंगे तो देखिए बीच में ये हमारा बराबर इसको बना ले रहे हैं अब देखिए इसको हम नोट लगाना बताएंगे तो इसके पंख में ही नोट लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए उल्टा करके हम धागे को यहाँ से खींच लेंगे इसके पंख के अंदर से देखिए धागे को निकाल लेना है और इसको हम पहले यहाँ पे नोट लगा लेंगे तो साइज का बना के तभी यहाँ पे नोट लगाएं तो टाइट थोड़ा सा नोट लगाएं और जो धागा है इसको देखिए यहाँ से कुर्सिया की मदद से अंदर की साइड खींच लें और जो धागा दिख रहा है इसको हम काट देंगे ये देखिए इस तरीके से तो देखिए गोल्ड फिश हमारा लग गया है इसकी नीचे देखिए हमने रेड कलर का भी लगा लिया है साइज के अनुसार और बीच में देखिए इस तरीके से हम रख लेंगे तो ये देखिए हमने रख लिया फिर इसी तरीके से हम इसको देखिए घटाते हुए ऊपर की साइड ये रेड गोल्ड फिश लगा लेंगे तो एक पार्ट देखिए फ्रेंड्स ये बन गया है और यहाँ पे चलिए हम इसको नोट लगा के दिखा दें आपको पट्टी में कैसे इसको लगाना है तो पट्टी का देखिए जो डिज़ाइन है इसी के डिज़ाइन से हम धागे को बीच में से देखिए खींच रहे हैं यहाँ से देखिए और देखिए फिर थोड़ा सा धागा छोड़ के और फिर हम दूसरा धागा इसके अंदर से निकाल लेंगे ये देखिए इस तरीके से लगाना है गोल्ड फिश को अब यहाँ पे देखिए उल्टा साइड करके इसको हम नोट लगा लेंगे तो यहाँ पे गांठे अच्छी तरीके से लगाएँ ताकि ये धागा ना खुले और जो धागा है इसको हम अंदर की साइड कर लेंगे क्रशिया की मदद से देखिए यहाँ से हम धागे को खींच लेंगे आगे इसी तरीके से हम सभी पीस को नोट लगा लेंगे और यहाँ पे जो धागा देखिए अब देख रहा है इसको हम कट कर देंगे तो देखिए बन गया तो फ्रेंड्स देखिए तोड़न हमारा बनके कंप्लीट हो गया है गोल्ड फिश का और देखने में तो बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर लग रहा है आप इसे ज़रूर बनाएं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट में बताना ना भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा फिर मिलती हूँ किसी नए डिज़ाइन के साथ थैंक यू